पहाड़ पे है और पार्क बहुत ही प्यारा है, शालीमार पार्क। मजा आ गया देख के भाई, एक नंबर का। देख सकते हैं मैप, हम लोग शालीमार पार्क में जा रहे हैं। 250 वाला, 250 वाला, 300 वाला, 280 वाला। ये फोटो गैलरी है, आप लोग 20 मिनट के अंदर फोटो तैयार पा सकते हैं। ये सब नई दुकानें हैं आधुनिक ड्राई फ्रूट के। देख लो भैया, होलसेल में भैया चोर के दाम देखो, मंडी से 100 रुपये से भी। जय माता दी की। हम लोग कल चढ़ाई से नीचे आ गए, वैष्णो माता का दर्शन कल हो गया था और अभी हम लोग जा रहे हैं सब लोग, पांचों पांडव, मतलब मैं, गोलू, आयुष, रायुष, अप्पू, पांच लोग जा रहे हैं मार्केट घूमने। और मार्केट में कुछ, मतलब वैसे भी पिछले वाले ब्लॉग में मैं घूम चुका हूँ, परसों घूम लिया था, लेकिन थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ नया चीज़ खाने वाला हो या फिर नया चीज़ कुछ मिले देखते हैं, कुछ खरीदने लाए रहे खरीदेंगे। और फिलहाल हम लोग दया होटल में हैं और यहाँ से हम लोग अब चल रहे हैं आगे अपने मंजिल की तरफ। आ गए हैं हम लोग के होटल से, लगभग 10 मीटर के रेंज में हम लोग का हाईवे से पड़ता है होटल। और आपको दिखाएं ऊपर जो भवन का जो नज़ारा है यहाँ से, बहुत ही प्यारा है, आपको दिखाते हैं एक सेकंड। ये देखिए हम लोग के सामने ये है, बादल पूरा लग गया है भवन के ऊपर। और यहाँ पे जो है गर्भ गुफा है, और इस रास्ते हम लोग कल उतरे हैं, चढ़े हैं, पूरा कठिन चढ़ाई, पूरा पैर वैर दर्द कर रहा है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग चलते हैं मार्केट को एक्सप्लोर करने, और ये जो राजस्थानी सैनी वैष्णो ढाबा है, हम लोग यहीं पे खाना ना खा रहे हैं और हम लोग का रूम अंदर है। बहुत सारे होटल आपको मिल जाएंगे, VIP से लेके नॉर्मल तक हजारों होटल आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे हमेशा। ये एक मंदिर है, शिव दर्शन मंदिर, जय शंकर भगवान। छोले कुलचे, स्ट्रीट फूड की बात कर लिया जाए तो छोले कुलचे और फुल्की बहुत ज़्यादा तादाद में मिल रहे हैं। पिछली बार आए थे हम लोग तो इसी होटल में रुके थे, नटराज होटल में। और जैसे ही शाम हो गई है, सब श्रद्धालु, ज़्यादातर श्रद्धालु अभी फ़िलहाल इसी टाइम पे ही निकल रहे हैं। देख सकते हैं सब लोग, जिसके गले में आई कार्ड है, सब के सब लोग इस समय ही जा रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए, क्योंकि शाम के टाइम सब लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं चलना, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है। लेकिन ये बात है कि अभी एक घंटे बाद, एक डेढ़ घंटे बाद नज़ारे नहीं मिलेंगे, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा अभी थोड़ी देर बाद ही। असली चढ़ाई का मज़ा है दिन में जाए, सुबह चला जाए तो, ताकि फ़ोटो वोटो खींचने में आनंद रहता है। अभी फ़िलहाल हम लोग सभी भाई लोग के साथ कटरा बस स्टैंड पे हैं, और सामने देख सकते हैं बस स्टैंड कटरा का, और ये है फुहारा चौराहा, और कटरा मार्केट उधर लगता है। चढ़ने के लिए आप लोग को सीधे इधर जाना पड़ेगा, पहले यहाँ पे काउंटर सामने है पंजीकरण कक्ष, यहाँ पे पर्ची बनवाइए, उसके बाद आप लोग जा सकते हैं माता रानी के दर्शन के लिए। ये है मार्केट जाने का रास्ता, देख सकते हैं इसमें चहल पहल, भीड़ बहुत ज़्यादा है। और ये है मेन मार्केट कटरा का, यहाँ पे आपको प्रसाद, कपड़े, जो भी आपको ज़रूरत की चीज़ें हैं, हर एक चीज़ इस मार्केट में मिल जाएंगे, बहुत अच्छे दामों पे, महंगे सस्ता, आप कुछ बार्गेनिंग करने आ रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये है नया बाज़ार, ये पहले नहीं था, आई थिंक अभी खुला है, ड्राई फ्रूट मार्केट। यहाँ पर ड्राई फ्रूट आपको मिल जाएंगे, खाने पीने की सभी वस्तुएं मिल जाएंगी, बहुत अच्छा। मतलब मैं बहुत बार आ चुका हूँ इस मार्केट में, लेकिन फिर भी आप लोग को दिखाने के लिए थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे, कुछ पता करेंगे क्या यहाँ पर क्या चीज़ मार्केट में है अभी फ़िलहाल में। ये सब नई दुकानें हैं आधुनिक ड्राई फ्रूट के, और अभी आपको थोड़ी देर में हम लोग अखरोट का दाम बताएंगे, अखरोट अखरोट चिल्ला रहे हैं सब। ये
फ़ोटो गैलरी है, आप लोग 20 मिनट के अंदर फ़ोटो तैयार पा सकते हैं। ऐसा लगे जैसे माँ की भवन कौन एप्पल वाला। डिस्पेंसरी भी आपको इस गली में मिल जाएंगी, मेडिकल की सारी सुविधाएं लगभग अवेलेबल है इधर। अगर अखरोट की बात की जाए, अभी हम लोग गए थे टेस्ट किए हैं और लेना तो अभी नहीं था, लेकिन आप लोग के लिए बस गए हैं टेस्ट किए। उस समय मैं बाय द वे कैमरा नहीं ऑन किया था, और अगर ऑन करता टी करता तो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए नहीं ऑन किया। लेकिन रेट उट पता चल गया है, 350 और 300 के रेंज में दो अखरोट थे, और 400 के ऊपर भी थे, लेकिन ये दोनों सही थे। जो 350 वाला रेंज था उसको 300 लगाने के लिए बोला है लास्ट, मैं 200 बोल के आया लेकिन नहीं बोला 300, और वो अखरोट था हाथ से निकल रहा था वो सही था। लेकिन बात क्या होता है कि स्कैम बहुत ज़्यादा यहाँ पे चलते हैं। स्कैम क्या होता है, यहाँ तो हाथ से फूट जाएगा लेकिन घर पे जब जाएंगे तो कुछ नहीं फूटता है उसके लिए तब गोली बंदूक की ज़रूरत पड़ती है, तो प्लाक फोड़ना पड़ता है। तो ऐसे चीज़ ज़्यादा कोशिश करें, अगर आपको अखरोट लेना है थोड़े ले लीजिए, और खुले अखरोट ज़्यादा ले लीजिए सही रहेगा, क्योंकि भरोसा तो अब कैसे हम बता सकते हैं। और बीच में से खुद अपने हाथ से उठा के 2-3 फोड़ के चेक करके ही लीजिए, तब ज़्यादा सही है। और 1-2 किलो ही लीजिए, ज़्यादा मत लीजिए। जय माता दी। और जो पीछे वैसे जो गाड़ियाँ हैं जो दिखाया हूँ अभी को, वो गाड़ियाँ जो है होटल वालों की होती है। अगर कोई अच्छे होटल ले रहे हैं, बहुत सारे होटल जो हैं वो गाड़ी भी प्रोवाइड कराते हैं, आपको यहाँ से ले जाएंगे बाणगंगा तक ड्रॉप करेंगे, और उधर से अगर कॉल कर देंगे तो वो सब लेके यहाँ पे छोड़ भी देंगे। तो ये बहुत सही होता है होटल अगर बढ़िया थोड़ा सा ले रहे हैं तब। हम लोग का थोड़ा कम बजट वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग थे इसलिए ज़्यादा नहीं लिए हम लोग। और ये देख सकते हैं फ़ोटो गैलरी कितना प्यारा सजाया गया है ताकि फ़ोटो बढ़िया आए। ड्राई फ्रूट की दुकानें आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, जितना आप लोग लेना चाहें, बस यही है कि कोई पहचानने वाला हो कि कौन सा सही है। थोड़ी पतली गली आ गए, और आई थिंक ख़त्म हो गया कि आगे जाएगा अब मुझे नहीं पता है। इसके आगे मैं एक बार आया था, गाड़ी वाले लेके आए थे यहाँ पे, रूम देखने में आया था गाड़ी से। अगर मेन मार्केट से थोड़ा सा और आगे आएंगे तो अपर बाज़ार कटरा मिल जाएगा। यहाँ पे सेम मार्केट है, वही जो वहाँ पे मिल रहे थे, सेम मार्केट यहाँ पे भी है, कुछ अलग नहीं है। वही सामान थोड़े से थोड़े बहुत मिलते हैं, कम ज़्यादा। शर्ट टी शर्ट बैग सब कुछ जो मैं, ये साइड बैग है मेरा, ऐसे टाइप के बैग मिल रहे हैं। और अगर आप नीचे से लेंगे शायद वहाँ पे महंगा पड़ता है स्टार्टिंग में, बस स्टैंड के पास से। और थोड़ा आगे आएंगे तो थोड़ा बहुत कम रेंज मिलने लगेगा आपको, लेकिन एक दुकान पे नहीं कोई भी चीज़ पता करना लेना है, कई दुकान पे आप पता करिए लीजिए। और अगर आप लोग आ रहे हैं इधर घूमने, तो अगर इधर अपर मार्केट की तरफ आएंगे तो इधर रूम जो हैं वो बहुत बढ़िया रेंज में मिल जाते हैं, क्योंकि इधर बहुत कम लोग आते हैं, सब लोग उधर से उधर रह जाते हैं। इधर जो आते हैं रूम के लिए, इधर थोड़ा सा कम मिलता है। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि अपर मार्केट की तरफ आएँ और रूम कम मिले, और इधर लोकल के लोग भी ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप एक्सप्लोरर हैं और अच्छे मतलब मार्केट से थोड़ा हट के लेना चाह रहे हैं तो बहुत सही जगह पे है। ये जो है अपर मार्केट, अपर बाज़ार, वार्ड नंबर 5, और इधर से हम लोग जाना है। और यहाँ से भी 2 नंबर गेट है, इधर से भी लोग आते हैं। ये वाला रास्ता आई थिंक स्टेशन की तरफ से है, पीछे वाला रास्ता, इधर कभी नहीं आया हूँ, पहली बार है हमारा। और ये है मार्केट, अपर मार्केट, देख सकते हैं मैप। हम लोग शालीमार पार्क में जा रहे हैं, जो कि आगे दिखा रहा है लोकेशन, क्योंकि हमारे पास पहले से सिम है तो लोकेशन का कोई दिक्कत नहीं है, चल रहे हैं। और आगे मिलता है तो आपको भी दिखाएंगे। थोड़ा अपर मार्केट में जाम लग गया है, सब्जी बिकने आया है यहाँ पे मार्केट में। यह चिंतामणि धर्मशाला, यहाँ पे आपको और कम में रेंज में मिल जाएगा। धर्मशाला है ना, तो प्राइस थोड़ा कम लगेगा धर्मशाले में। बाबा अमरनाथ बर्फानी, वैष्णो माता। ये है शालीमार पार्क, हम लोग
इधर कटरा मार्केट से घुसते हुए आ जाइए, उसके बाद आगे एकदम ऊपर आएंगे जब, तो यहाँ से आगे चलते हैं शालीमार पार्क। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर पहाड़ का पार्क। आई थिंक ये मेरा पहला पार्क होगा जो पहाड़ पे है, और पार्क बहुत ही प्यारा है शालीमार पार्क। मज़ा आ गया देख के भाई, एक नंबर का। और बच्चों को भी लेके आता लेकिन वो सब लोग नहीं आ पाएंगे, तो इसलिए मतलब ज़्यादा लोग हैं ना। ये है कुछ यहाँ की नज़ारे पार्क के, बहुत ही बेहतरीन। बाग में खेल खेलना मना है, यहाँ खेलना नहीं है सिर्फ बैठना है, शांति बनाए रखना है। मतलब बहुत शांति, हरा भरा है, स्वच्छ है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। थोड़ा सा आप लोग के लिए भी एक्सप्लोर करना बढ़िया है। आप लोग जैसे मैं ही नहीं जान रहा था, मुझे ये पता था कि शालीमार पार्क है यहाँ पे, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना नज़दीक है और पास में है, सही है। तो हम लोग आ गए और बहुत ही करीब है, बहुत ही पास है। इनके देखा, इनका नया अंदाज फोटो खिंचवाने का, सूट के खिंचवा रहे हैं शालीमार पार्क में, देखिए बेहतरीन। और गोलू भाई हमारे कैमरामैन बन चुके हैं। पार्क का नज़ारा बहुत प्यारा, और लोग यहाँ पे आके बैठ रहे हैं जो अलग अगल बगल रूम लिए हैं। और इधर रूम तो मैं, जैसे मैं इधर कभी नहीं आया था, ये मेरा फर्स्ट टाइम है इस लोकेशन पे आना। मैं 3-4 बार आ चुका हूँ वैष्णो देवी दर्शन के लिए, लेकिन अभी तक कभी भी इस लोकेशन पे नहीं आया था। जो कि यहाँ पे आप देखिए पहाड़ दिख रहे हैं, माता के भवन के जाने के लिए रास्ता, और यहाँ से नज़दीक है कितना, अर्धकुमारी माता का मंदिर उधर सामने दिख रहा है, भैरव बाबा उधर ऊपर हैं। बहुत ही प्यारा लोकेशन है, और ये सीधे चल जाएगा आपको लेके बाणगंगा मंदिर में, बाणगंगा फ्रिक्सिंग पॉइंट जहाँ चेकिंग होता है वहाँ पर जा सकते हैं आप लोग। और ये भी मार्केट बहुत सही है, यहाँ पे कुछ लोकल लोग भी दिख रहे हैं। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो इधर मेन मार्केट है, यहाँ पे होटल्स और ढाबे बहुत सारी चीज़ हैं, वो लोग इधर ही कहीं रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोकल बहुत दिखे हैं, बच्चे दिखे हैं, बूढ़े दिखे हैं। आए हम लोग गोलू के लिए टी शर्ट लेने, यहाँ पे वो बड़ा वाला जो है वैसा टी शर्ट लेंगे। अभी थोड़ी देर में जो मालिक साहब हैं वो थोड़ा सेठ जी व्यस्त हैं, अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे। हम खुले नहीं यार, प्रसाद वगैरह देख लो घर के लिए, कोई अखरोट बादाम वगैरह। अभी आप लोग देखे होंगे सब चीज़, अखरोट होगा दाम भी आप लोग को दिखा दिया, 300 350 250 से शुरू थे। और लेकिन ये जान लीजिए कम वाला लेंगे तो उसमें स्कैम पक्का होगा, और ज़्यादा वाला लेके कम करवाएंगे तभी भी स्कैम हो जाएगा। आप लोग अपने भरोसे से अपने चेक करके लीजिए तभी सही पड़ेगा। यहाँ पे तकिया मिल रहा था हवा वाला, अखरोट का सेल है गली के अंदर, देखो बाजार से कम नहीं है अभी, देख लो ट्राई कर लो। देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, ये सब यहाँ पे जो भी पब्लिक में है उन लोग को घेर के बोल रहे हैं ये खरीद दीजिए वो खरीद दीजिए, और उन लोग को पता है कि यहाँ पे लोग खरीद देंगे क्योंकि माता रानी के नाम में इतना पावर है कि कोई भी मान जाता है। तो ये बच्चे बहुत परेशान करते हैं यहाँ पे, वैसे बच्चों चलिए कोई खिला दे रहा है ठीक है, लेकिन वो सब क्या करते हैं सामान लेंगे उसके बाद फिर वो फिर वापस बेच देते हैं या दुकान पे दे देते हैं, पहले से उन लोग का फिक्स रहता है बातचीत। फिर से दोबारा आ गए हैं कटरा बस स्टैंड पे, और देख सकते हैं चारों तरफ की रौनक कटरा बस स्टैंड। पहले से ज़्यादा यहाँ पे मेंटेनेंस हो गया है, क्योंकि पहले जब मैं आया था तो यहाँ पे फुल्की उल्की की दुकान बहुत ज़्यादा लगते थे, अब सब के सब हट गए हैं, पता नहीं किधर गए हैं। हम लोग अभी फिलहाल आ गए हैं नेशनल हाईवे वाला रूट पे, जो जम्मू से लेके आता है पूरा कटरा तक, वो वाला रोड है।
मेन, और देख सकते हैं यहाँ पे बस बहुत ज़्यादा चल रही है। बस देखिए यहाँ पे आ रही है, मतलब कि यही रूट है जो जम्मू से कटरा लाती है ये रूट। और यहाँ पे बहुत सारे चीज़ इधर भी मिलेंगे आपको, एक 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 से बढ़ती एक चीज़ जो भी आप लेना चाहें। देख सकते हैं चारों तरफ मार्केट, खाने पीने का भी आई पी चीज़ इस रोड पे बहुत सारी चीज़ वी आई पी मिलेंगी, क्योंकि ये सामने पड़ता है मेन और मार्केट है ना, मेन रोड है ना, इसीलिए। छोले कुलचे आज हम लोग जम्मू में छोले कुलचे टेस्ट करेंगे, थोड़ा सा 20 रुपया प्राइस है, जो कि बहुत सही है प्राइस, मतलब नॉर्मल है, ठीक है। तो आइए टेस्ट करते हैं पहले। देखिए अप्पू जी टेस्ट किए हैं और इनके हिसाब से बहुत अच्छा है, अभी जो रिव्यू दिए कैसा है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। देखिए ये भी बोल दिए हैं, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं एक बार, ये अलग चीज़ है। मान लीजिए यूपी वाला साइड तो नहीं मिलता है, जब तक आप मथुरा उथुरा साइड है वहाँ पे मिलता है, लेकिन गोरखपुर साइड नहीं मिलता है, पूर्वांचल का। कटरा बस स्टैंड पे हम लोग हैं, और देख लीजिए ऊपर भवन पे कितना गजब रौनक है। शायद कैमरे में ना दिखे, लेकिन जो यहाँ से दिख रहा है बहुत प्यारा है, क्योंकि आज बादल नहीं है, बहुत वीआईपी है। ये देखिए ये हमारा बुकिंग गाड़ी है, अभी बताते हैं। आप यहाँ पे पर्ची कटवा सकते हैं 5 बजे से 10 बजे, आपको बताया ही था। तो इसी के सामने ये बस स्टैंड है पूरा, देख रहे हैं आप। ये राइट साइड जब आएंगे आगे, वहाँ पे दीपक ट्रेवल करके है, वहाँ पे जाइए, दीपक ट्रेवल के पास आपको बुकिंग मिल जाएगा। रेट मैं अभी आगे चल के बता रहा हूँ, यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसमें बड़ा ज़्यादा पैसा लगता होगा पक्का, क्योंकि दरवान साहब खड़े हैं और इस तरह से आप भी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, इस तरह तैयार हो गए। और हम लोग का बुकिंग होगा शिवकोड़ी का कल, परसों जाएंगे मानसर, तो मानसर जाएंगे लेक, उससे पहले अभी चलते हैं, सब लोग को भूख लगी है, खाना खिलाते हैं। और टाइम हो गया 8:30, और देख सकते हैं नज़ारे इस समय के, और बहुत ही बढ़िया एरिया यहाँ पे देखिए। और वीआईपी जितना महंगा लोग आएंगे उतना महंगा है, उतना महंगा महंगा होटल मिल जाएगा, वीआईपी से वीआईपी, लोकल से लोकल। अब मार्केट साइड अंदर जाएंगे तो 200-300 रुपया भी मिल जाएगा, जहाँ पे हम लोग अपर ऊपर साइड गए थे। रात में कुछ ज़्यादा ही लोग जा रहे हैं दर्शन करने, बहुत ही ज़्यादा लोग जा रहे हैं, भीड़ पूरा लग गया है, अफिराज भीड़ एक नंबर का, लेकिन मस्त लग रहा है रात में। लेकिन एक चीज़ और आएगा कि मस्त तो लग रहा है जाने में, मौसम सही है, लेकिन व्यू नहीं मिलेगा, कुछ देखने को मज़ा नहीं आएगा। एक कुछ लोग दिखेंगे जो आदमी साथ जा रहे हैं, और उससे ज़्यादा कुछ आप देख नहीं पाएंगे, इसीलिए हम लोग दिन में चढ़े थे। अभी को तो हम लोग बुकिंग कर ली अपनी गाड़ी की, और प्राइस बता दें आप लोग को, तो वैसे तो हर जगह 27 सीटर दे रहे हैं, वो सब 5,500-6,000 रुपये मांग रहे हैं, लेकिन हम लोग 19 सीटर प्लस 3 केबिन में है, तो 22 सीटर हो गया, और 2-3 बच्चे हैं, तो सब गोदी में इधर उधर मैनेज हो जाएंगे। हम लोग जिस बस से आए थे कटरा से, उसी साइज का बस है, तो हम लोग मैनेज हो जाएंगे। तो 4400 का बुक हुआ है, और मानसर के लिए अभी कल बुक करेंगे, 4000 बोल रहे हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। और हमारी टीम पूरी रेडी है, और हम लोग चल रहे हैं, थोड़ा सा खाना पीना हो जाए और थोड़ा आराम हो जाए, उसके बाद कल निकलेंगे शिवकोड़ी। अभी इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, रात हो गई, लगभग 11-12 बजने वाले हैं, और अभी तक ब्लॉग को एंड नहीं किए थे, और कल हम सुबह जा रहे हैं शिवकोड़ी, तो उसका नया ब्लॉग आएगा। तो यहाँ तक अगर आप देख लिखे हैं तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कीजिए। चलिए टाटा बाय, गुड नाइट। ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ।